ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल की ईवीएम मशीनों को पुरानी जेल में बने स्ट्रॉन्ग रूम में रखा गया, जहां मशीनों की सुरक्षा के लिए जेल के अंदर जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाए गए और जेल के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात किए गए। इसके अलावा जेल के बाहर एक एलईडी टीवी भी लगाई जाएगी, जिससे ईवीएम मशीनें उम्मीदवारों के एजेंटों को दिखाई पड़ती रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर भोपाल महोदय के द्वारा यहाँ पे 24 घंटे की व्यवस्था की गई, जिसमें 8-8 घंटे एक क्लास वन ऑफिसर और उनके साथ एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यहाँ पर रहेंगे। हर 8 घंटे में रहेगा। तो मेरी ड्यूटी यहाँ पे अभी चालू हो गई है, तो मैं अपनी ड्यूटी पे आ गया हूँ और ये लगातार जब से मतगणना नहीं हो जाएगी तब तक ये लगातार चालू।